देखिए, हम पहले आज सफेद वाला फीमेल बता रहे हैं, इसके लिए क्या लगेगा अपने को? आधा लीटर पाइन ऑयल, पाइन ऑयल लगेगा आधा लीटर। दिस इज पाइन ऑयल, ये मैंने मैडम के पास नोट्स छोड़े हैं, पाइन ऑयल। और ये जो मैं आज बता रही हूँ आपको, उसमें 10 लीटर फिनाइल बनेगा, 10 लीटर। ये देखिए, दिस इज हाफ लीटर, 500 ml अपना है पाइन ऑयल। तो ये ना पहले अपने को ऐसे झाड़ों से मिलता था, यानी पेड़ से मिलता था ये पाइन ऑयल, पर अभी ये सिंथेटिक है, यानी कि नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। और उसके लिए जो भी अपन मग्गा इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूखा होना चाहिए। उसमें तीन ही चीजें लगेंगी अपने को, एक तो पाइन ऑयल, दूसरा ये सल्फोनेटेड कैस्टर ऑयल बोलते हैं उसको, या तो TRO, केमिकल नेम है उसका TRO, टर्की रेड ऑयल, रेड दिखता है ना, तो टर्की ये आता है उससे आधा, यानी कि 250 ml है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, एक मग्गा लिया, सूखा वाला है, सूखा है, और उसमें हमने पाइन ऑयल ऐड किया है। और अभी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं उसको, कम से कम 5 मिनट मिक्स करना है। पहले बॉटल में पानी लेना, हाँ, वो पानी बोर का नहीं होना चाहिए। और उसमें 20 ml अपने को ये जो अपना मिक्सचर बना हुआ है वो डालने का है। जिससे हमारा आधा लीटर फिनाइल तैयार हो गया, आप देख सकते हो कितना अच्छा बन गया। ये अपने खाने के कलर होते हैं ना, एकदम चने की दाल होती है ना अपनी, एक उतना ही डालने का, बाद में डार्क होता है, आपको अगर डार्क चाहिए तो डार्क भी बना सकते हो। उल्टा कभी नहीं करना, यानी कि पहले ये लिया और ऊपर से पानी डाला तो फिनाइल बनेगा नहीं, तो बनेगा नहीं है, उल्टा कभी नहीं करना। पहले बॉटल में पानी लेना है, देखो कलर वाला भी बन गया। और अगर सेंटेड करना चाहते हो कि इसमें सिट्रोनिला नाम का एक सेंट आता है, सिट्रोनिला, जिनको फिनेल का स्मेल पसंद नहीं है, तो सिट्रोनिला ये एक नेचुरल एक ये आता है, क्या बोलते हैं, सेंट आता है, तो उससे मच्छर भी कम होते हैं ज्यादा। और आप यकीन नहीं करोगे, इससे अगर आप फर्शी वगैरह पहुंचते हो तो कभी भी मच्छर मक्खी कुछ नहीं, कॉकरोचेस वगैरह सब हट जाते हैं। तो देखिए फटाफट बनता है, कोई मशीन नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं, और कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है। और जैसे कि अपना बिजनेस अगर बहुत बढ़ गया तो इसके लिए एक आप लोगों के पास हैंड मिक्सर है ना, तो हैंड मिक्सर का जैसा एक मिक्सर मिलता है, तो उससे भी आप अच्छे से मिक्स कर सकते हो। मिक्सिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर मिक्सिंग अच्छा नहीं हुआ तो इसके ऊपर ऑयल आ सकता है, ऑयल। वैसे अगर कभी कभी हो गया अपना गलती से, तो आप क्या करना, थोड़ा सा निरमा पाउडर, इतना सा ही, आधा चम्मच निरमा पाउडर ये बॉटल में ऐड करके मिक्स करना, तो वो ठीक हो जाएगा, कुछ डिफिकल्टी नहीं होती है। अगर आपका ऊपर ऑयल आ गया किसी तरह से, आपका अगर मिक्सिंग अच्छा नहीं हुआ तो आ सकता है ऑयल ऊपर, जो भी डिफिकल्ट एरियल, जो भी डिटर्जेंट पाउडर है, इतना सा आधा चम्मच डाल दो,